ये बांडीपुरा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वेवन नामी इलाके का एक मंजर है। घने जंगलात के बीचों बीच इस दूर दराज इलाके की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तकरीबन 150 कुंभों पर मुश्तमिल इस इलाके को 2017 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया, क्योंकि ये बस्ती मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम थी। एक जानब इलाके को बिजली फराहम की गई तो दूसरी जानब इलाके के लिए PMGSY के तहत सड़क की तामीर भी शुरू की गई, क्योंकि यह इलाका सड़क से भी महरूम था। तहां मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान बिजली के खंभों और तरसीली लाइन को भी उखाड़ दिया गया। एक नाले के अंदर पड़े बिजली के खंभे और तरसीली लाइन सारी कहानी बयान कर रही है। इस कहानी का एक और पहलू ये भी है कि सड़क की तामीर के दौरान पानार नामी इलाके के वाटर पाइपलाइन को भी नहीं बख्शा गया, और यूं एक सड़क की तामीर ने एक इलाके की बिजली छीन ली और दूसरे इलाके की वाटर सप्लाई स्कीम को बेकार कर दिया। पावर वोत गुत दरित प्रन पे लश तो मे दिल तटान कह वे लश अना तो वोम सोलर शोलर तो पुन वक्त पास इत पे क्या पवर जबरदस्त डिफिकल्टी सो गए बस सो मिसिंग पोल गिर सो तार झिनित गो जनाब सदस मे सकीम पे चल त्रेन रेतन तमें पे पवर उ जहन तार वार तम पोल वोल गई खत्म तमें तथा नजरा वजरा ना रिपेरिंग ना कह दिन डिपार्टमेंट मुलाजमन योर नजरा तथा पे सदा पे मनो दोन रेतन चल त्रे रेतन बस दोन त्रेन रेतन न चलान चुन कह तम पोल शोल दम पत्र पे मे पता अमी बन पार तो ये बहुत वन ईद गुंजाइश क्या बहुत वन रेत नो वो त्रे रेत त्रेन रेतन आज चलान गाम से अहन जान लक्ष अलमिया इस बात का है कि 5 साल कबल एक गरीब बस्ती की बिजली चली गई और इस बिजली को आज तक बहाल नहीं किया गया। इस मामले पर अगरचे न्यूज 18 ने महकमे बिजली से बार बार राबता कायम किया, तहम महकमे के अफसरान बार बार हीले बहाने बनाकर सामने आने से अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि वो इस हकीकत से बाखबर है कि नाले में पड़ी तरसीली लाइन और पोल ने पहले ही महकमे की पोल खोल कर रख दी है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद।